हेलो फ्रेंड्स, वजी पंच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे एक प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MTR का पोहा। ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो एकदम रेडी टू ईट है। 3 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नो कुकिंग जस्ट एंड हॉट वाटर। और ये 60 ग्राम का पैकेट है। इसकी प्राइस है 20 रुपीज़। अगर आपको ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पे डायरेक्शन दे रखे हैं इसको कैसे यूज करना है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो एकदम हेल्दी है। आप बच्चों को भी साथ में दे सकते हैं जब वो पिकनिक पर जाए। इसे बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बाउल ले रहे हैं। तो यहाँ मैं बाउल में ये पोहा डाल रहा हूँ। तो 60 ग्राम पोहा में 45 ml हॉट वाटर चाहिए। आप बाहर जा रहे हैं ट्रैवलिंग पर, तो ट्रेन में, होटल्स में, हर जगह हॉट वाटर तो आराम से मिल जाता है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अनियन फ्लेक्स हैं, पीनट्स हैं, करी लीव्स हैं। यहाँ पे ये हॉट वाटर है। ये मेरा 40 ml का ग्लास है, तो इसमें मैं 5 ml वाटर और डालूंगा। इसको एक बार मिक्स कर लेना है। और फिर इसे कवर करके 3 मिनट्स के लिए रख देना है। 3 मिनट्स के बाद हम देखेंगे ये कैसा बना है। तो चलिए देखते हैं पोहा कैसा बना है। पूरे 3 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, एकदम रेडी है पोहा। तो ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है करी लीव्स की। इसमें ग्रीन चिल्ली भी है। तो अब हम इसे सर्व भी कर लेते हैं, फिर टेस्ट करेंगे। तो आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, एक जने के लिए काफ़ी है। टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। इसमें नमक, मिर्ची, ग्रीन चिली और हल्का सा मीठापन भी है। तो सब कुछ टेस्ट एकदम बैलेंस है। नमक भी इसमें बराबर है, न कम है न ज़्यादा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय फ्रेंड्स। इस पैकेट में पोहा की क्वांटिटी 60 ग्राम्स है, आप देख सकते हैं। और जैसा इसमें लिखा था, हमने इसमें ठीक 45 ml पानी मिलाया, हॉट बॉइलिंग वाटर। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छा पोहा बना है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।